गुड मॉर्निंग प्रज्ञा, कैसे हैं आप? सबने पढ़ाई स्टार्ट कर रखी है ना? आपको बेटा पढ़ाई करनी पड़ेगी, तो जी बिना पढ़ाई के आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए अपनी बुक ओपन कीजिए, निकाल लीजिए अपनी बुक। तो इसमें आपको क्या करना है, हमारी आ की मात्रा के साथ कंप्लीट हो चुके थे। क्या हो गए थे? आ की मात्रा तक के शब्द कंप्लीट हो गए थे। और आज क्या करना है इसमें हमको, सबसे पहले तो इसको पढ़ेंगे। ये जो है ई की मात्रा के शब्द, ये मैंने कल आपको लिखवाए थे, बोल बोल के लिखवाए थे, आज फिर लिखवाऊंगी। बट उससे पहले कुछ मैं आपको समझा देती हूँ, तो प्लीज सो आप अपनी बुक ओपन कर लीजिए, मैं क्या पढ़ा रही हूँ उसको ध्यान से सुनिए। ठीक है ना? ओके, देखिए ई की मात्रा वाक्य, ई की मात्रा के कुछ वाक्य दिए हैं, उनको हम मिलकर पढ़ेंगे। जो डार्क कलर से खो रखा है वो ई की मात्रा के, वो ई की मात्रा लगी हुई है। जैसे पिंक कलर है, इसमें पिंक कलर से लगा हुआ, बाकी सब ब्लैंक से लिखा हुआ, तो वो ई की मात्रा है। जैसे कि निकल गया दिन, दिन निकल गया है, क्या हो गया है? दिन जो है हमारा वो निकल गया है। आई चिड़िया आई, क्या कहना है? आई चिड़िया आई, पर शर्माई चिड़िया, क्या? चिड़िया आई पर शर्मा गई चिड़िया, शर्मा गई चिड़िया है। आज इधर एक डाकिया आया, कौन आया? डाकिया आया, टिकट लगाकर लिफाफा लाया। जो लिफाफा था उस पे क्या हो रहा था? टिकट लगी हुई थी। बारिश आई, क्या आई? बारिश आई, बारिश आई, बारिश आई, रिमझिम रिमझिम बारिश आई, हर तरफ हरियाली छाई। क्या चाहिए? हर तरफ हरियाली छाई, डाल डाल पर चिड़िया आई। जब बारिश आई रिमझिम रिमझिम, तो क्या हो गया? सारी तरफ हरियाली हरियाली, यानी हरे हरे पेड़ पौधे हो गए। डाल डाल पर चिड़िया चहकने लगी, खिल गए कमल, क्या हो गए? कमल खिल गए, दिन निकला खिल गए कमल, कविता उठ पिकनिक पर चल। क्या है? दिन निकला और कमल खिल गए, जो कली बनी हुई थी वो खिल गई, और कविता उठ पिकनिक पर चल। कविता जो थी लड़की, उससे बोला जा रहा था कि उठो पिकनिक पे चलना है, बिना टिकट मत चलना भाई, जब कहीं बाहर जाओ तो बिना टिकट के मत जाना, टिकट लेके ही चलेंगे। ठीक है? रवि किधर अब गया निकल, रवि किधर निकल गया अब? चलने को देरी हो रही है, अब घूमने निकल गया, क्या कर सकते हैं? तो ये है। अब इसमें क्या कह रहे हैं? सही शब्द चुनकर गोला बनाइए, यानी हमको ईश्वर से सही शब्द चुनना है, उसको सर्केल करना है। कैसे सर्केल करना है? ये हमारे यहाँ चित्र बना हुआ है, ये किसका चित्र है? गिटार, क्या है? गिटार। तो अब हमको इसमें देखना है कौन सा सही है, क्योंकि मैंने आपको ई की मात्रा के शब्द इसीलिए पढ़ाए हैं कि आपसे कभी भी कोई लिख के पूछे या बोल के पूछे, बोल
बोल के कहे कि अब ये लिखो पिकनिक, तो आप फटाफट से लिख रहे हैं। यह आपसे कोई कहे कि बेटा यहाँ पे बिमला लिखो, तो आप फटाफट से बिमला लिख सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही कोई लिखे यदि आपको कि ये गिटार है, कैसे देगा? जैसे सपोज करो मैं ही आपको दे रही हूं, ये है, ठीक है, और एक ये है, आपको इन दोनों में से सर्किल करना है, तो कैसे सर्किल करोगे? बिना पढ़े करोगे कि पढ़कर करोगे? पढ़ना तो आपको पड़ेगा ना, बिना पढ़े तो ही ना कर सकते। तो प्लीज आपको इसीलिए बोला जाता है कि आप पढ़िए और समझे, ठीक है। तो अब आपको इसमें से जो सही लगता है उस पे आप सर्किल कर सकते हैं। तो जैसे कि ये हमारा डाइट है गिटार, तो हमने इसको सर्किल कर दिया, डन। ऐसे ही आपको करना है, ठीक है। तो इसमें से हमको एक पे सही का टिक, जो सर्किल बनाना है, जो हमारा सही है उस पर टिक लगा देना है, ये टार। और ये क्या है हमारा? हिरण। तो अब हम इसमें देखेंगे हिरण कौन सा सही है, हरिण सही है, हिरण सही है। तो जो सही है उसको सर्किल करेंगे, और ये है हमारा एरोप्लेन, जिसको हम हिंदी में कहते हैं विमान। क्या कहते हैं? विमान। तो विमान जो हमारा सही है हम उस पे एक लगा देंगे, जैसे कि विमान विवामिन, तो फर्स्ट वाला सही है, इसको टिक सर्किल कर देंगे, ठीक है। अब चित्र के नाम लेकर पहेली में ढूंढो, क्या करना है? चित्रों को देख के उनके नाम पहेली में ढूंढने हैं और इधर आपको लिखने हैं। जैसे फर्स्ट है हमारा हिरण, सेकंड क्या है? पहिया। फिर ये है चिड़िया, ये है विमान। तो इसमें से हमको ढूंढना है, क्या करना है? इनमें से हमको ढूंढना है, जैसे कि हिरण, ये हो गया हमारा हिरण जो हमारे फर्स्ट में लिखा हुआ है। अब सेकंड में क्या है? पहिया। क्या है? पहिया। तो अब देखेंगे हम यहाँ कहाँ है पहिया, आपको कोई तकलीफ नहीं होगी ढूंढने में, ये हो गया पहिया। फिर थर्ड पे क्या है? चिड़िया। तो पहिया के नीचे ही देख लीजिए आप चिड़िया। फिर विमान, विमान ये रहा विमान, मिल गए सारे, उड़ गया विमान, ठीक है। अब इसमें दे रखा है चित्र देखकर कहानी पूरी कीजिए, जो हमारे चित्र दे रखे हैं उसको देख के हमें कहानी पूरी करना है। कैसे? बिटिया घर पर खटिया लाई, क्या लाई? खटिया लाई, खटिया पर तकिया रख, अचानक एक आया कौन डाकिया, डाकिया साइकिल पर चढ़कर आया, किस पर आया डाकिया? डाकिया जो आया हमारा साइकिल पर चढ़कर आया, कभी पैदल थोड़ी ना आएगा बेचारे इतनी दूर से घूम घाम के, ठीक है ना। तो ये हमारा हो गया, इसको लो मैं बता देती हूँ, क्या ये मैंने बता दिया, ये बता दिया। अब आपको यहाँ पे क्या करना है मेरे प्यारे से बच्चों, एच डब्ल्यू डाल देते हैं, ये मेरा हो गया एच डब्ल्यू, ठीक है, डाली डाल बस। अब बोर्ड में आपका लिखवा देती हूँ, देखिए जू पेज नंबर 15 इन बुक, जो बुक में आपका पेज नंबर 15 है वो आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। फिर उसके बाद
क्या करना है? पेज नंबर 14। रीड करना है, क्या करना है? रीड करना है, ठीक है? वो पढ़ना है, ये रीड करना है, वो उसमें वक्त आपको कंप्लीट करना है, इसमें आपको रीड करना है, ठीक है? और उसके बाद क्या करना है? ई की मात्रा के सब नोटबुक यानी कॉपी में लिखिए। ठीक है, ये हमको अपनी कॉपी में लिखते हैं और टू पेज नंबर 15 इन बुक, ये हमको वर्क करना है। सो आपका वर्क कंप्लीट हो चुका है, आप कर लीजिएगा, ठीक है? ओके, बाय, टेक केयर।